अगर हम अल्टरनेटिंग करंट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है R। आपने इसमें AC वोल्टेज अप्लाई किया है, AC वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं V से, और ये जो V होता है इसको इस तरह से लिखते हैं V0 साइन ओमेगा टी, साइन का फंक्शन होता है AC वोल्टेज। तो जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब बल्ब वगैरह हो गया जिसमें सिर्फ रजिस्टर है, तो अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो होता है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर वी जो होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स ने बताया था आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो वी की जगह वी नोट साइन ओमेगा टी लिख देंगे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आर लिख देंगे। वी नोट बाई आर जो होता है वो पीक वोल्टेज कहलाता है, ये वी नोट पीक है, पीक वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस पीक करंट कहलाएगा, तो ये पीक ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ देख सकते हैं V का ये वैल्यू था और I का ये आया है, दोनों के बीच में फेस सेम है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी यहाँ भी साइन ओमेगा टी, तो कोई चेंज नहीं है। तो दोनों, इससे ये क्लियर हो गया कि दोनों सेम फेस में चलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो इसका जो ग्राफ बनता है इस तरह से बनता है, ये वेव डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम है, ये वेव डायग्राम है। देखो करेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कम होती है, ये करेंट की ग्राफ बताई जा रही है, और ये वोल्टेज की ग्राफ है। करंट हमेशा लोअर मैग्नीट्यूड में होता है और वोल्टेज ये वी का है और ये आई का है। तो ये इस तरह से सेम फेस है, साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे ही होता है, साइन कर्व है, तो इस तरह से स्टार्ट होता है, इस तरह से एंड होता है। फर्स्ट जहाँ इंटरसेक्शन हुआ वो पाई कहलाता है, और दूसरी बार 2π, इसके बीच में π/2, 3π/2 इसके बीच में, मतलब π/2 इसमें ऐड कर देंगे, π + π/2 करेंगे तो क्या आएगा, 3π/2 आएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल टाइम होती है वो टी होती है, यहाँ से यहाँ तक T/2 होगी, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल t लिखा, आप कैपिटल T भी लिख सकते हो, टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा उसका हाफ, T/2 का हाफ कितना होगा, T/4, वैसे यहाँ 3T/4 होगा। दोनों सेम एंगल बना रहा है साइन ओमेगा टी, वी नोट वी में भी था वी नोट साइन ओमेगा टी, आई में भी था आई नोट साइन ओमेगा टी, तो दोनों का एंगल जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, ये एंगल है, ठीक है ना, तो ये ओमेगा टी एंगल बना दिया। करेंट की मैग्नीट्यूड स्मॉल से दिखाई जाती है, ये फेजर डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं इसका दूसरा नाम होता है, ये इंस्टेंटेनियस करंट दिखाया जा रहा है और ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिखाया जा रहा है। ये एक सर्कल बनाओ चाहे नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह से क्वाड्रेंट बना के बना देना, यहाँ से यहाँ करंट की मैग्नीट्यूड और यहाँ से यहाँ ये मैग्नीट्यूड कहलाती है, ये वैल्यू कहलाती है वोल्टेज की।